नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, जो आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं ज्योतिष के माध्यम से और साथ ही आपको बताते हैं आसान से उपाय जिनको करके आप अपने जीवन से हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने पहले दर्शक की परेशानी सुनते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम बलजीत कौर है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1999। मेरा जन्म टाइम है 11 से 11:30 के बीच और जन्म स्थान है जलंधर, पंजाब। और मेरी समस्या ये है कि मेरी स्टडी बीच में छूट गई है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि मैं इसलिए क्या करूँ। और गुरुजी, मैं अपनी शादी के बारे जानना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। धन्यवाद गुरुजी। आचार्य जी, दलजीत जी जानना चाहती हैं अपने स्टडी के बारे में, उसको किस तरीके से ये पूरा कर सकती हैं और साथ ही अपने विवाह के बारे में भी ये जानना चाहती हैं। बिल्कुल, दलजीत से आपकी जो पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका आपकी है। देखिए, शास्त्र ऐसा बोलता है कि जब मनुष्य की पत्रिका में गुरु चांडाल दोष लग गया या गुरु शनि की युति हो गई, मंगल अंगारक दोष लग गया, ऐसे में क्या होता है, पंचम की वृद्धि नहीं हो पाती है, एजुकेशन की वृद्धि नहीं हो पाती है, ज्ञान मार्ग नहीं हो पाता है। आपकी पत्रिका में 22 मई 2010 से शनि जी का प्रभाव चल रहा है। शनि जी आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, समस्याओं का योग बना रहे हैं, आपके एजुकेशन के अंदर रुकावटों का योग बना रहे हैं, सफलताओं का योग नहीं बनने दे रहे हैं। ऐसे में करना क्या है, सबसे पहला कार्य करना है मंगल अंगारक दोष परिहार पूजन करना है। दूसरा कार्य करना है, गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले चावल बना करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दें। साथ में एक कार्य विशेष रूप से आपको करना है, एक पन्ना रत्न अगर आप धारण कर सकते हैं, बुधवार के दिन एक पन्ना रत्न धारण कर लें। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सफलताओं का योग बन जाता है। शास्त्र क्या बोला है, भाग्यहीनो भवे नरः। जो मनुष्य भाग्यहीन होता है, आप कहते हैं ना महाराज जी, इस व्यक्ति का पैर पड़ा हमारा सब उल्टा हो गया, वह व्यक्ति बुरा नहीं है मेरे भाई बहन, उसका भाग्य कहीं ना कहीं से खराब है कि वह अच्छा भी करना चाहता है, मनुष्य के जीवन में पूरी ईमानदारी से कर्म करना चाहता है, लेकिन विफलताओं का योग आ जाता है, असफलताओं का योग आ जाता है। उन तमाम चीज़ों का योग देखना है, अपने पंचमेश को मजबूत करना है। और साथ ही उन तमाम बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि पंचमेश आपका कहाँ से मजबूत होता है, आपका पराक्रम कहाँ से मजबूत होता है, आपके माता पिता, आपके गौ माता, आपके गुरु के सम्मान से आपके जीवन में इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होती चली जाती है। जब इनमें से किसी का हम अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, अब हमसे काफ़ी लोग बोलते हैं महाराज जी, हमने अपने माता पिता का सम्मान किया फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों चल रहा है। मैंने कहा, कभी आप मंदिर गए, कभी आपने गौ माता की सेवा किया, बोलते हैं नहीं महाराज जी। हमने कहा, देखिए आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आधा कर्म कर रहे हैं। संसार में आए हैं तो नेत्र की भी ज़रूरत है, कान की भी ज़रूरत है, नाक की भी ज़रूरत है और मुख की भी ज़रूरत है। अपने हाथ को भी आप मजबूत करना चाहते हैं, पराक्रम को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपके इन ग्रहों को मजबूत करना होगा, उन ग्रहों के स्वामी को मजबूत करना होगा। और उन ग्रहों के स्वामी का संबंध जहाँ जहाँ से होता है उनको आप मजबूत कर लेते हैं तो आपका पराक्रम अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि पराक्रमहीन जब व्यक्ति कहाँ से होता है, पंचम से होता है। पराक्रमहीन का मतलब होता, वह दोष पे मैं चर्चा जरूर करूँगा लेकिन थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा, जब आपकी पत्रिका में पराक्रमहीन योग लग जाता है तो ना तो आप एजुकेशन कर पाते हैं, ना आप धन कमा पाते हैं, ना अच्छे इंसान बन पाते हैं, यह पराक्रमहीन दोष का योग बनता है। इस प्रकार का योग अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी की कुंडली के अंदर बना हुआ है तो इसका निदान अवश्य कर लें ताकि उनके जीवन में अच्छी सफलताओं का योग बने, अच्छी एजुकेशन का योग बने, अच्छे पद प्रतिष्ठा का योग बने। जी आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला कि बुध का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में, तभी एजुकेशन का योग अच्छा बन सकता है। उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं आपसे जरूर जानूंगी, लेकिन पहले एक और दर्शक, उनका सवाल जानते हैं। बिल्कुल। 11 मई 1982 है, टाइम सुबह, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 मई 1982 है, टाइम सुबह 8:17 है और स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश में।
पड़ता है वहाँ पर है, और मैं अपनी नौकरी के संबंध में जानना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी लगेगी या जॉब करूंगा कोई प्राइवेट। अपनी जॉब के बारे में तिवारी जी जानना चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी करेंगे या फिर प्राइवेट जॉब ही करेंगे। बिल्कुल तिवारी जी, मैं जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है, मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है, शनि जी की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही, भाग्येश की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है, परंतु मंगल शनि की युति होने से आपके भाग्यहीन योग आपकी पत्रिका में बन गए हैं। आप इतना यत्न करने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी आपके जीवन में असफलताओं का योग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सूर्य से आपकी पत्रिका में बुधादित्य योग बन रहा है, और जहाँ से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है वहाँ से बहुत कम चांस आपकी पत्रिका में मिलना है। मैं आपको एक उपाय जरूर बताना चाहूँगा। वैसे तो आपकी पत्रिका में जो वर्तमान का दौर प्रारंभ हो चुका है वह बुध का प्रारंभ हो चुका है। बुध आपके जीवन में सफलता आपको अवश्य देंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहला कार्य करना है बुधवार के दिन ओम ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शाह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करना है। नित्य प्रारंभ कर दीजिए, इस बुधवार के दिन से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है। साथ में एक पन्ना रत्न आपको धारण करना है, और गौशाला के अंदर पालक का दान करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने बहन का सम्मान करिए। इस क्रिया को करने से आपको अच्छी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी नौकरी का योग बन जाएगा, अच्छी सफलताओं का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं और साथ ही एक पन्ना रत्न भी धारण करते हैं और बुध को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी और बहुत ही जल्द लग जाएगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनका सवाल। जी, मेरा नाम रिंपी वर्मा है, मेरी जन्म तिथि 13 जुलाई 1986 है, मेरा जन्म समय है सुबह के 6 बजे और अरुणाचल प्रदेश खोनसा मेरा जन्म स्थान है। जी मेरी ये दिक्कत है कि बचपन में मेरी मम्मी चल बसी, सौतेली माँ आई, मतलब उथल पुथल जिंदगी में हो गई। मैंने कभी अपने माँ से बाप से प्यार नहीं पाया, बस चाहती थी कि हाँ प्यार मिले मुझे कहीं से, दोस्ती से ज्यादा प्यार लगता था। एक प्यार मिला जिससे मैंने लव मैरिज शादी करनी चाही। शादी के लिए राजा मंदी तो है लेकिन तब भी अनबन है, मेरे लाइफ में उथल ही पुथल है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। किस्मत मेरी खराब है, मम्मी पापा मुझसे अलग हो गए, मेरा भाई जो मेरा खुद का भाई था वो मुझसे अलग हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताइए क्या करूं मैं। आचार्य जी, रिम्पी जी जानना चाहती हैं कि उनके जीवन में जो लगातार परेशानियां चल रही हैं, पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए वो क्या उपाय कर सकती हैं। बिल्कुल रिम्पी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, कर्क लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है और जो जन्म राशि आपकी पत्रिका की है वह कन्या राशि है। राहु जी की महादशा आपकी पत्रिका में 2006 से चल रही है। राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शनि जी का चल रहा है। बेटा, शास्त्र ऐसा बोलता है जब किसी के पंचम भाव के अंदर दशाओं का प्रभाव आ जाता है, हमने कार्यक्रम के शुरुआत में बोला था कि जब कभी भी आप प्रेम विवाह करने जाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, या आपके जीवन में आपको किसी से प्रेम मिलने वाला है, किस प्रकार का प्रेम मिलने वाला है, पापी ग्रहों की जब युति हो जाएगी ऐसे में क्या होता है कि आपको प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती। आपकी माता का जो सुख हमने देखा, अल्प सुख आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि जो आपकी पत्रिका में मंगल महाराज जी की स्थिति आपकी पत्रिका में हमने देखा, चंद्रमा का जो प्रभाव आपकी पत्रिका में हमने देखा, ये दोनों बहुत पीड़ित हैं। उसके बाद आपकी पत्रिका का जो हमने सब संपूर्ण जो विवेचन किया, संपूर्ण विवेचन करने के बाद गुरु की जो स्थिति देखा, जो भाग्य आपका था वह भी भाग्यहीन योग आपकी पत्रिका में बना दिया। सूर्य महाराज जी आपकी पत्रिका में जहां से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का योग बनता था वह द्वादश भाव में जाके विराजमान हो गए, और राहु महाराज जी आपके दशम भाव में जाके विराजमान हो गए। संपूर्ण जो आपका जो जीवन हमने देखा राहु जी की दशा के आने के बाद उथल पुथल होता चला गया, और जो आपकी पत्रिका में हमने जो विशेष चीज़ देखा, अप्रैल 2011 तक तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा रहा, अप्रैल 2011 के बाद से आपके जीवन में जैसे शनि जी का प्रभाव आया, जो जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, जिसके प्रेम पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था, वही आपके जीवन में धोखे का योग बनने लगा, क्योंकि शनि महाराज जी वहाँ पर बैठे थे तो आपको उस प्रेम में रुकावट का योग बना सकते थे। बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 2 मार्च 2014 तक का जो समय है वह जो शनि का समय है आपको बहुत पीड़ादायक रहने वाला है। भगवान सूर्यदेव का जो आगमन होता है वह किसी जाति पाति कुल उनसे कोई संबंध किसी का नहीं है, वो सबके लिए अप्रतिदिन आते हैं, सूर्योदय होता है, सबको प्रकाश देते हैं। चंद्रमा की शीतलता सबके लिए प्रकाश मान देते हैं, चंद्रमा सबके मन में शीतलता प्रदान करते हैं, और शास्त्र में बताया गया है कि प्रेम क्या होता है, माता के समान होता है, प्रेम क्या होता है, पिता के समान, बंधु के समान, सखा के समान होता है। आपके जीवन में जो प्रेम अभाव योग बना उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, आपने बोला ना महाराज जी
किस कारण से हुआ, कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। शनिदेव आपके पंचम में चाकर जो विराजमान हो गए, वहाँ से आपके जीवन में जिसको भी आपने प्रेम किया, जिससे भी आपने प्रेम चाहा, वहाँ पर शनिदेव जी ने क्या किया, समय समय पर आपके जीवन में दुर्घटनाओं का, विखंडता का योग बना दिया, आपके जो रिश्तों में तनाव का युग बना दिया। हमारी काफ़ी बहनें हैं बोलते हैं महाराज जी हमारा गृहस्थ जीवन सही नहीं चलता। इस पत्रिका के माध्यम से आप भी सोचिएगा कि जिसका शनि पंचम में है, काफ़ी ऐसी पत्रिकाएं हैं विवाह हो गया है लेकिन वो अलग अलग रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं, पति पत्नी का संबंध रखते हैं लेकिन समाज के सामने अच्छा दिखाते हैं लेकिन उनका संबंध सालों सालों से नहीं है, इसका कारण क्या है, इसको भी ढूंढना आवश्यक है। शास्त्र ने उनका भी निदान किया है। बच्चे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, माता रानी पर विश्वास करिए। माता रानी ने एक संदेश आपको दे रही है, एक शक्ति दे रही है, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप शक्ति हैं, आप सबके माध्यम से इस संसार की उत्पत्ति है। भगवान शिव ने क्या बोला कि जिस जब शिव के साथ में शक्ति का संबंध नहीं होता है तो वह व्यक्ति सौ के समान हो जाता है। जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का संबंध नहीं होता, दोनों की कृपा नहीं होती है, वह मनुष्य जिंदा रहते हुए भी क्या होता है, सौ के समान होता है, मुर्दे के समान होता है। तो आप शक्ति हैं, अपने आप को पहचाने, आप बिल्कुल रुदित ना हो, पीड़ित ना हो, आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी पत्रिका के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जो अभी वर्तमान का दौर चल रहा है वह ठीक नहीं चल रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत सुखद होगा, महारानी जी की कृपा आप पर विशेष होगी। जिसकी माँ नहीं होती उसकी कौन माँ होती है, आप जरा सोचिए, सती माता दुर्गा जी माँ होती हैं, माता पार्वती जी माँ होती हैं, और जिसके पिता नहीं हैं वह पिता उसके कौन होते हैं, देवों के देव भोलेनाथ होते हैं। आज से आप अनाथ नहीं हैं, आज से अपने हृदय के अंदर दृढ़ संकल्प ले लीजिए, और जिसके भाई नहीं होते हैं भगवान कृष्ण भाई का रोल अदा करते हैं, और चाहे आपको गोपी के रूप में बुला करके भी वो आपको द्रौपदी जैसी बहन का लाज भगवान कृष्ण बचाते हैं। अपने हृदय के अंदर इन सब तमाम भ्रांतियों को समाप्त कर दीजिए, आज से शनिदेव जी की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए कि प्रभु मेरे द्वारा जाने अनजाने मेरे प्रारब्ध में जो आपने इतनी लेखनी लिख दिया है, कष्ट लिख दिया है, इस कष्ट को समाप्त कर दीजिए प्रभु। ऐसी भावना के साथ शनिदेव जी को पुकार करके देखिएगा, और भगवान कृष्ण की उपासना से, भगवान कृष्ण की साधना से आपके जीवन में अच्छे संसाधन बनते चले जाएंगे, अच्छे सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी, आपके जीवन के जितने कष्ट हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। शनिदेव जी की उपासना करिए, शनिदेव जी का व्रत करिए, शनिदेव जी के मंदिर में जाके दर्शन करिए, यह उपाय करके देखिएगा आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। जी बिल्कुल रिम्पी जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अगर आप शनिदेव जी की पूजा उपासना करती हैं और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा उपासना करती हैं, तो जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हैं, परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होती चली जाएंगी। सिर्फ आपको धैर्य से और धीरजता से काम लेना है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप, देखते रहिए तारे सितारे।